कभी विचार किया रामचरितमानस का अर्थ क्या होता है? रामचरितमानस का अर्थ जानना है प्रिय श्रोताओं, तो आप इसको उल्टा पढ़ो, मानस चरित्र राम। जिस मनुष्य का चरित्र राम जैसा होगा उसी का रामचरितमानस होगा। हनुमान जी महाराज राम जी के दास हैं, लेकिन राम जी का चरित्र कितना महान है इसका दर्शन लंका में कीजिए। रावण जब मरने लगा, आंखों में आंसू भर करके रावण प्रभु श्री राम के सामने डला। राम ने कहा, रावण अंत तो गत्वा, बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। रावण कहता, राम मैं कुछ बात आपसे कहना चाहता हूं। बोलो। रावण कहता, राम मैं बल में तुमसे ज्यादा बलवान, चलत दशानन डोलत अग्नि, जब मैं चलता हूं पृथ्वी डोलती है। राम मैं परिवार में भी तुमसे बड़ा, एक लख पूत सभा लख नाती, एक लाख तो केवल पूत हैं, मेरी ऐश्वर्य की क्या कहना। राम तुम्हारा तो रहना जंगल में है, लेकिन हम सोने की लंका में रहते। राम तन में भी हम कम नहीं, तन में भी तुमसे बड़े हैं, तुम्हारे तो एक ही मुख है, दो ही भुजाएं हैं, मुझ रावण को देखो, दस दस मुख, बीस बीस भुजाएं। राम परिकर भी तुमसे ज्यादा हमारा बलशाली, हमारा बेटा मेघनाथ, हमारा भाई कुंभकर्ण, अक्षय कुमार जैसे बलवान हमारी सेना में। राम तुम्हारे पास कौन? भगोड़ा विभीषण, भागने वाला विभीषण, भाई से मार खाने वाला सुग्रीव, बानर भालू अंगद दधिमुख नल नील, ये सब तुम्हारी सेना में है, लेकिन राम मैं एक जगह हार गया। हर प्रकार से तो मेरी विजय रही, पर हे प्रभु श्री राम मैं एक जगह हार गया। प्रभु श्री राम ने कहा, कहां? तो रावण अट्टहास करते हुए अपने दसों मुखों से कहता, राम बस मैं अपने चरित्र से हार गया, तुम चरित्रवान रहे और मैं चरित्र का ढीला रहा, इसलिए रावण हार गया। मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्रिय जनों, हम आपको इस कथा के द्वारा यह शिक्षा देना चाहते हैं, इत्र से जीवन को मत महकाओ, चरित्र से जीवन को महकाओ। इत्र की खुशबू तो दो तीन दिन तक रहेगी, बहुत महंगा वाला आप स्प्रे लगा लीजिए, आजकल तो सेंट भी गजब के चलते हैं, एकदम गैस निकलती है। बोलो सीताराम। बहुत महंगा वाला आप इत्र लगा लीजिए, 10-15 दिन ज्यादा से ज्यादा रहेगा, लेकिन मेरे प्रिय जनों, इत्र की सुगंधी 2-4 दिन की है, चरित्र की सुगंधी तो जीवन भर की होती है।